एक फिंगर ना थोड़ा एक थोड़ा ऐसा इसको अरे पश्चिम ग्लास ला ना भूल कैसे जाता था साढ़े सात थोड़ा ऊपर में पहले फिंगर थोड़ा अच्छा है पहले बहुत अच्छा लग रहा है फिंगर को रिलैक्स है और वो इधर आई ना आई आई बोल ना Nice. Nice, hold. Eyes up there. Yeah. Back shot cover. तो ये फोटो शूट हम यू नो बैरल मैंशन के लिए कर रही हूँ मैं जो कि जगह है इट्स न्यूली ओपन्ड एंड सुवेद जो यहाँ के ओनर हैं ही इज़ अ डियर फ्रेंड एंड ही वॉन्टेड यू नो मी टू काइंड ऑफ बी अ पार्ट ऑफ लॉन्चिंग द क्लब तो इसीलिए मैं एक फ़ोटोशूट कर रही हूँ क्लब के लिए एंड इट्स एन अमेजिंग स्पेस जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर है एंड दैट्स वाई बी डूइंग अ वेरी ग्लैम फोटोशूट बिकॉज जगह इतनी ग्लैम है ओके काफी अलग अलग लुक्स में नजर आई है दो तीन चेंजेस भी हुए हैं मैं जानना चाहेंगे आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा रहा इन सब लुक्स में आई थिंक हर एक चेंज बहुत ही यू नो सुंदर था और मैं गाउन्स और यू नो इट्स अ वेरी 90s 40s काइंड ऑफ अ वाइब तो मुझे बहुत पसंद है तो आई थिंक जो मैं अभी भी जो मैंने पहना है बहुत सुंदर है बट आई टू बी वेरी ऑनेस्ट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चूज वन मुझे सब बहुत अच्छे लगे ओके ये तो हुई फोटोशूट की बात लेकिन अगर बात करें हम आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स की तो काफी सारे 2019 जो है वो लकीली काफी अच्छा होने वाला है आपके लिए और काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले हैं सबसे पहले तो फिरकी आने वाली है उसके बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे वेल फिरकी एक थ्रिलर है जिसमें नील नितिन मुकेश है करण सिंह ग्रोवर है के मेनन है और जैकी श्रॉफ है और मैं लीड प्ले कर रही हूँ और बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है मेरे लिए बिकॉज इट्स एन आउट एंड आउट कमर्शियल हिंदी फिल्म फर्स्ट टाइम आई थिंक मैं यू नो आउट एंड आउट कमर्शियल हिंदी फिल्म कर रही हूँ एज अ लीड एंड मैं एक सुपर मॉडल प्ले कर रही हूँ लंदन बेस्ड स्टोरी है तो वी हैड अ लॉट ऑफ फन बिकॉज वी शॉट 90% ऑफ द फिल्म इन लंदन एंड यू नो फाइनली मुझे डांस करने का मौका मिल रहा है फिल्म में जो कि यू नो मुझे अभी तक नहीं मिला था एंड यू नो इट्स फनी बिकॉज मैं एक डांसर हूँ एंड ऑल द फिल्म्स दैट आई हैव डन टिल नाउ देयर वाज नो डांसिंग इन देम सो इट्स फन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट बिकॉज थ्रिलर है तो काफ़ी ट्विस्ट्स एंड टर्न्स है और मेरा कैरेक्टर बहुत लेयर्ड है so it's fun so summer of 2019 is okay. when it comes up char char heroes hai saath mein jackie shroff hai to thoda bahut kafi experience hai wo to kaisa raha overall experience unke saath kaam karne ka bahut acha i think jackie da ek to bahut hi cool bindaas kind of person hai unka aur main hamesha you know I have a huge crush on jackie da because unki unka style sense of style bahut amazing hai even in the film he's so well dressed and such a you know humble person very chilled out I think that's the best quality about jackie da kyunki wo aapko feel hi nahi karate ki wo
यू नो ही इज़ अ लेजेंड या एंड बट ही टॉक्स टू यू एज इफ ही इज़ योर बडी. तो बहुत मज़ा आया. इनफैक्ट दी एंटायर यूनिट इवन के मैनन सर जो मुझे लगता था कि बहुत सीरियस टाइप के इंसान है बट ही इज़ एक्चुअली नॉट. ही इज़ क्वाइट यू नो ही हैज़ अ वेरी 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 गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और जब आप उनके साथ कंफर्टेबल हो जाते हो तो ही हैज़ सो मेनी स्टोरीज टू टेल यू. आई थिंक मुझे यू नो करण और नील और जैकिदा एंड के सर के साथ कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा बिकॉज दे ऑल फेल्ट लाइक दे वर माई फ्रेंड्स रैदर देन यू नो सीनियर एंड अ जूनियर. आई थिंक वो एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है यू नो इन ऑल दीज यू नो सीनियर एक्टर्स एंड आई थिंक दैट्स वाई दे आर यू नो सो सक्सेसफुल बिकॉज दे डोंट मेक यू फील लाइक दे आर स्टार्स. ओके फिरकी के अलावा एक जो बहुत ही अभी फिलहाल में एक फोटो जो बहुत ही वायरल हुई है आपकी और अहमद सर की और कागज सॉन्ग जो है उसको शूट करते हुए तो थोड़ा बहुत कागज के बारे में जानना तो बनता ही है उसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए. वेल फिल्म के बारे में नहीं बताऊंगी बट द फिल्म इज प्रोड्यूस्ड बाय सलमान खान प्रोडक्शंस एंड सतीश कौशिक जी उसको डायरेक्ट कर रहे हैं और पंकज त्रिपाठी उसमें मेन लीड प्ले कर रहे हैं एंड आई एम डूइंग अ स्पेशल सॉन्ग फॉर इट जो अहमद ने कोरियोग्राफ किया है. बहुत ही अमेजिंग सॉन्ग है. बहुत ही इनफैक्ट आई थिंक बहुत ही अलग स्पेशल सॉन्ग होगा ये क्योंकि यूजुअली जो यू नो ऐसे सॉन्ग्स होते हैं वो हमेशा लड़की की खूबसूरती के ऊपर होते हैं. ये गाना उल्टा है. ये लड़की की खूबसूरती के ऊपर है. तो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द रीजन्स मैं ये यू नो मैंने ये गाना करने का सोचा वॉज बिकॉज इट डजेंट सेक्शुलाइज वुमेन फर्स्टली. आई थिंक फॉर मी दैट इज़ अ ह्यूज यू नो फैक्टर क्योंकि आप जितने भी ऐसे स्पेशल आइटम सॉन्ग्स देखते हो उसमें बहुत सेक्शुअलिटी लड़की की तरफ होती है विच आई डोंट लाइक. वो थोड़ा क्रैस और वल्गर लगता है. तो आई वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ अ सॉन्ग विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स आउट देयर एंड आई थिंक आई गॉट द परफेक्ट सॉन्ग इन दिस एंड आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज मैंने भी यू नो बिकॉज इट्स इंडियन रस्टिक और मैं यूजुअली हिप हॉप और जैज़ और कंटेम्प्रेरी करती हूँ तो मेरे लिए भी ये बहुत अलग फॉर्म ऑफ डांसिंग था और अहमद सर ने इतना अमेजिंग कोरियोग्राफर शूट किया है दैट आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर एवरीबॉडी टू सी इट. ओके जैसे कि आपने बताया आप कंटेम्प्रेरी जैज एंड ऑल करती हैं तो आपको अभी तक ऑडियंसेस ने एज सच डांस करते हुए नहीं देखा है तो क्या सरप्राइज मिलने वाला है ऑडियंस को और आपसे जानना चाहेंगे कितनी भड़ास निकाली है आपने. बहुत इनफैक्ट मैंने बैक टू बैक शूट किया था. मैंने फिरकी में भी एक गाना किया है जो बहुत ही यू नो सेडक्टिव हील्स कोरियोग्राफी जिसको कहते हैं वो किया है एंड देन आफ्टर दैट आई इमीडिएटली शॉट फॉर कागज. तो मुझे बैक टू बैक मैंने जितनी मेरी भड़ास थी इतने सालों की जो मैं फिल्मों में नहीं निकाल सकती थी डांसिंग की वो मैंने निकाल ली है बिकॉज आई यू नो आई लव डांसिंग और मैं यू नो ऑन वायरल प्लेटफॉर्म मैं आई मीन ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म मैं बहुत डांस वीडियोज़ डालती हूँ जो काफ़ी वायरल हो गए हैं मेलविन के साथ और बहुत पॉपुलर हो गए हैं बट वो ऑब्वियसली हिप हॉप वर्जन में होते हैं वो बॉलीवुड डांसिंग नहीं होती है. सो आई फाइनली गॉट टू डू दीज सॉन्ग्स एंड आई रियली एंजॉयड देम. ओके एक प्ले भी है अमेरिकन प्ले जिसमें आप अभी नजर आ रही हैं और काफी सारी कंट्रीज में ऑलरेडी वो हो चुका है तो आपसे पहले तो उस प्ले के बारे में जानना चाहेंगे और साथ ही वो जानना चाहेंगे कि काफी सारी लाइक मूवीज प्लेज हर चीज में आपने काम कर लिया है तो कौन सा ऐसा स्टेज है जहाँ काम करना डिफिकल्ट एज सच आपको लगता है. ओके सो मैं एक इंटरनेशनल म्यूजिकल कर रही हूँ जिसका नाम है वेस्ट साइड स्टोरी जो एक ऑस्ट्रेलियन प्रोडक्शन है और मैं एक लौती इंडियन एक्टर हूँ उसमें. बाकी के जितने भी एक्टर्स हैं सब यू नो फॉरेनर्स हैं और गैरी स्टूअर्ट जिन्होंने यू नो एक बहुत फेमस ब्रॉडवे शो है कॉल्ड कैट्स वो उन्होंने डायरेक्ट और कोरियोग्राफ किया है वही हमारे भी डायरेक्टर और कोरियोग्राफर हैं. और जैसे कि आपने बोला 150 शोज़ हम लोग कर चुके हैं 13 कंट्रीज़ में ट्रैवल कर चुके हैं एंड इनफैक्ट अभी मैं पोर्चुगल में यू नो शो करके आई हूँ. इट्स एन अमेजिंग फीलिंग फर्स्टली टू बी ऑन इंटरनेशनल स्टेज बिकॉज बहुत कम मौका ऐसा मिलता है इंडियन एक्टर्स को टू बी यू नो टू बी ऑन एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म और मैं बहुत बहुत लकी हूँ बिकॉज आई गेट टू डांस ट्रैवल एक्ट एंड गेट पेड फॉर इट. आई डोंट थिंक यू नो आई कैन आस्क फॉर एनीथिंग बेटर और सो इट्स एन अमेजिंग 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 फीलिंग. और आपने पूछा इन तीनों में से बेटर कौन सा है. डिफिकल्ट कौन सा डिफिकल्ट है स्टेज फॉर श्योर बिकॉज कोई रीटेक्स नहीं है. जो आपने उस टाइम कर दिया वो कर दिया. इफ़ यू फॉरगेट योर लाइन्स यू हैव टू कवर अप. इफ़ यू फॉरगेट डांस मूवमेंट्स यू हैव टू कवर अप. सो आई थिंक बट हाई भी अगर आप मुझसे पूछेंगे मुझे फेवरेट भी कौन है आई विल डेफिनेटली से स्टेज बिकॉज एक्टर्स मीडियम होता है स्टेज
तो आपके पास करने को बहुत कुछ है, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है. एंड एवरी डे इज अ न्यू डे. कि ऑल दो हम यू नो डेट सो शो कर चुके हैं, बट जब भी मैं वो यू नो शो करती हूँ, वो एक दिन एक नया दिन होता है, पहला दिन होता है. बिकॉज यू डोंट नो व्हाट यू गोइंग टू डू, यू डोंट नो हाउ पीपल आर गोइंग टू रिएक्ट, बिकॉज ऑडियंसेस भी हर कंट्री के कितने अलग होते हैं. किसी को यू नो एक बात पे हंसी आती है तो किसी को किसी और बात पे हंसी आती है. तो इट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज एवरीबडी इज सो डिफरेंट एंड यू गेट you really get to learn about people from okay. all of this. Also besides this, Alt Balaji ke saath mein ek web series bhi aapki aa rahi hai, uske bare mein bhi janna. Uska naam Katil hai. Usme Vivek Oberoi hai, main hu, Ravi Kishan hai, Supriya Pathak hai. Completely different from Firki. It's the biggest show for Alt Balaji. 14 episodes, 1 hour each, और मेरा character एक महाराष्ट्रन based family है जिस you know जिसका मैं part हूँ. और very excited because मैंने मराठी role कभी किया नहीं था, और तो काफ़ी tough रहा क्योंकि थोड़ी मराठी सीखनी पड़ी. और space बहुत अलग है. पुलकित जो film के director हैं, जिन्होंने भोज भी direct किया था, बहुत ही सुलझे हुए डायरेक्टर हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, और उनका जो टेक है टुवर्ड्स डिजिटल प्लेटफॉर्म इज़ आल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. तो एज एन एक्टर आई थिंक दिस इज़ अ फैब टाइम, बिकॉज मुझे फिल्म्स भी करने को मिल रहा है, मुझे यू नो थिएटर भी करने को मिल रहा है, ऑफकोर्स डिजिटल पे भी. यू नो नाउ द प्लेटफॉर्म इज़ सो अमेजिंग दैट आई गेट टू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉन्टेंट. ओके, ऑल्ट बालाजी की बात हम कर रहे हैं, जहाँ एकता कपूर हो, वहाँ पे तो बहुत सारे सस्पेंस थ्रिलर बहुत सारे होते हैं, तो इस वेब सीरीज में क्या देखने को मिलेगा? बहुत कुछ, अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग. देर इज़ ड्रामा, देर इज़ एक्शन, देर इज़ रोमांस, देर इज़ एवरीथिंग. देर इज़ इमोशन, देर इज़ ह्यूमर, लाफ्टर है, तो सब कुछ है. बट बहुत ग्रिटी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और गॉडफादर जैसे स्पेस पे है. इट्स अबाउट द अंडरवर्ल्ड. तो बहुत 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 इनफैक्ट जो लिखा गया है, सुनील मनचंदानी जो मैट फिल्म्स के यू नो ओनर हैं, उन्होंने लिखा है, और जिस तरीके से उन्होंने लिखा है बहुत ही रियलिस्टिक है, फिल्मी नहीं है. आई थिंक दैट्स व्हाट अट्रैक्टेड मी आल्सो टू इट, बिकॉज इट्स नॉट फिल्मी एंड इट्स वेरी रियल और ग्रिटी है. एंड देयर इज आल्सो अ लॉट ऑफ सस्पेंस इन इट. एंड आई थिंक फॉर मी आल्सो टू वॉच विवेक ओबेरॉय डूइंग व्हाट ही यू नो आई हैव सीन हिम इन कंपनी डूइंग यू नो व्हाट ही इज रियली 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 गुड एट has been such a learning experience, because उनके पास इतना experience है और इतने कमाल के actor हैं, तो उनके साथ काम करते हुए बहुत मज़ा आया, और उनको काम करते हुए देखने में भी बहुत मज़ा आता है, क्योंकि his approach is very very different. And of course सुप्रिया पाठक, she's a legend. Okay, lastly क्या कहना चाहेंगे audiences से? Well, happy new year everybody. I hope आपका ये साल बहुत 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 अच्छा रहे, और positive रहे, और I hope you watch everything that I am into. Thank you for all the love and support that everybody gives me on social media. You guys are really, really kind, and I'm very, very thankful for it. I love you all.